स्टिल अंडरग्राउंड, पर क्या करें, अंडरग्राउंड में भी खुजली कम नहीं होती मेरी। खैर, उड़ती उड़ती खबर यह आई है कि, यार उड़ती उड़ती कैसे आएगी, चलिए रेंगती रेंगती खबर यह आई है कि सुना है मोहनजोदड़ो पिट गई है और हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी कर गई मेकर्स को। आप सोचेंगे क्या मैंने अपना प्रोफेशन बदल दिया है, तो भैया नहीं, प्रोफेशन वही है। मुद्दा यह है कि हैप्पी भाग जाएगी को पाकिस्तान में कर दिया गया है बैन। जी हाँ, हमेशा की तरह। ओह माय गॉड, क्यों? अब भाई, अब वो तो पाकिस्तान ही जाने है, कभी अपने बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान को बेइज्जत करते हैं तो कभी फिल्म के ट्रेलर को देख के ही फिल्म को बैन कर देते हैं। बेसिकली पाकिस्तान के जो मन में आता है वो करते हैं। नो लॉजिक, नो रीजन, ओनली ट्रीजन। मुदस्सर जो डायरेक्टर हैं हैप्पी भाग जाएगी के, वो बहुत खफा हो गए थे, ओपन लेटर लिख दिए थे, लेकिन भैया जवाब कौन देगा है? यूएन के डोसियर का तो कोई जवाब दिया नहीं अभी तक। आपको बाहर बैठे नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ अंडरग्राउंड में हमको सारी न्यूज मिल जाती है। जी, यूएन ने दाऊद इब्राहिम के तीन एड्रेस वेरीफाई किए। भाई सबको पता है दाऊद पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं है? और वो हिंदी फिल्म पायरेट करने का धंधा भी चलाते हैं, ये भी सबको मालूम है। इसीलिए तो जहां पाकिस्तानी लोगों का इंटरेस्ट जागा किसी हिंदी फिल्म में, बस उसको कर दिए बैन, पायरेटेड कॉपीज की सेल बढ़ाओ फिल्म को बैन करके। हाँ, इंडियन सरकार ने 23 साल में कुछ नहीं किया सिवाय पाकिस्तान को ब्लेम करने के अलावा। जी, चल पड़ो यूएसए की तरह, उन्होंने अपने देश के दुश्मन को कैसे घुस के मारा, आप भी करो। ओ डैम, अब क्या बोल दिया। अब आपको पता चला क्यों 11 मुल्कों के पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज मुझको ढूंढ रहे हैं है? जब मौका मिलेगा फिर आऊंगा अंडरग्राउंड से बाहर चश्मा उतार के। फिलहाल तो मैं लेके रहूंगा बोलने की आजादी, मैं लेके रहूंगा आजादी। दिस इज साहिल वैद, फकिंग ऑफ, फेड आउट।